हेलो एंड वेलकम टू आई एफ एजुकेशन। सो गाइस कैसे आप लोग? आज जो हम पढ़ेंगे वो पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है सोवियत संघ का विघटन या दो ध्रुवीयता विश्व का समाप्ति। ठीक, तो अब इसके अंतर्गत आपके नए सिलेबस के हिसाब से, यानी कि अभी जो सीबीएसई का जो नया करिकुलम आया है, उसमें इस चैप्टर में आपके केवल तीन टॉपिक हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है सोवियत संघ का विघटन। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक है आपका दो ध्रुवीयता का अंत या एक ध्रुवीयता की शुरुआत। ठीक, तीसरा है आपका अफगान और खाड़ी युद्ध। ठीक, इसको हम मध्य एशिया संघर्ष भी बोल सकते हैं। तो ये तीन आपके जो टॉपिक हैं एग्जाम में, मतलब इन तीन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा कि भाई सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, क्या रीज़न थे, क्या इसके परिणाम क्या रहे। उसके बाद दूसरा है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि किस तरीके से एक ध्रुवीयता का आरंभ हुआ, या एक दो ध्रुवीय जो थे, दो विश्व में जो दो महाशक्ति थी वो खत्म हुई। और तीसरा जो आपका टॉपिक इसमें पूछ रहा है भाई, अफगान के साथ युद्ध, खाड़ी युद्ध, जो खाड़ी देश थे यानी अरब कंट्रीज़, उनके साथ युद्ध या किस तरीके के साथ युद्ध, किन बातों को लेकर हुआ। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक आज हम कवर करेंगे इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सोवियत संघ का विघटन। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, यानी कि जो सोवियत संघ था एक दूसरी महाशक्ति, उसका कोलैप्स, उसका विघटन कैसे हुआ। तो सबसे पहले इसमें देखो, विघटन को जानने से पहले हम इसको जानेंगे भी सोवियत संघ बना कैसे। पहले आपको पता होना चाहिए कोई चीज़ बनती, टूटने से पहले वो चीज़ बनी कैसे, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है ना, तो सोवियत संघ पहले बना कैसे वो जान लो, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से टूटा या इसका विघटन कैसे हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक सोवियत संघ के विघटन के साथ। टॉपिक है सोवियत संघ का विघटन। अब देखो, विघटन से पहले हम इसको जान लेते हैं भाई सोवियत संघ जो था वो था क्या। ठीक, सोवियत संघ एक 15 राष्ट्रों का यानी कि जो सोवियत संघ बनाया गया था उसमें 15 राष्ट्रों को मिलाकर एक संघ बनाया गया था। ठीक है ना, यानी कि उसमें 15 देश शामिल थे, उन 15 देशों ने आपस में मिलकर अपने आप को एक सोवियत संघ बना दिया था, जिसकी राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था एक समान थी, जिसको हम बोलते हैं समाजवादी व्यवस्था। ठीक है ना, इन 15 राष्ट्रों की व्यवस्था क्या थी, समाजवादी व्यवस्था थी। और समाजवादी व्यवस्था कहने का मतलब है कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक तो समाजवादी व्यवस्था यानी कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, तो ये सोवियत संघ था। अब सोवियत संघ बना कब था, तो सोवियत संघ की जो एक स्टार्ट जो बना था, ये बना था 1917 में रूसी क्रांति के बाद। रूसी क्रांति या बोलो बोल्शेविक की क्रांति, ठीक है ना, इसको हम बोल्शेविक या रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अब रूसी क्रांति क्या था भाई, रूसी क्रांति में क्या हुआ, जितने भी मजदूर वर्ग थे उन्होंने क्या करा, जो भी कर उद्योगपति थे या पूंजीपति थे उनके खिलाफ इन्होंने एक जंग छेड़ दी थी। ठीक है, यानी कि उन जितने भी उद्योगपति थे, कारखाने के मालिक, उद्योग के मालिक, उन सभी के खिलाफ एक रूसी क्रांति यानी सशस्त्र विद्रोह कर दिया, उनके खिलाफ जंग छेड़ दी और उनसे सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो उससे क्या हुआ, वहाँ की जितनी भी बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, अब उनको क्या कर दिया गया, मतलब रूसी क्रांति के बाद राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था कर दिया गया, यानी कि सभी का शासन एक समाजवादी तौर पर राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया। और एक नए उसी के आसपास जितने भी ऐसे जो 15 राष्ट्र थे उन्होंने आपस में मिलके इस सोवियत संघ का निर्माण किया। तो इसमें रूस क्या था, सोवियत संघ में रूस सबसे बड़ा देश था और सबसे शक्तिशाली था, इसीलिए इसमें
सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, मतलब जो सोवियत संघ में जो सबसे ज्यादा चलती थी वो रूस की मानी जाती थी बात, ठीक। तो ये तो था सोवियत संघ का निर्माण, ठीक है ना, यानी कि ये पॉइंट हम समझ सकते हैं सोवियत संघ बना कैसे, ठीक। यहाँ से सोवियत संघ हम समझ गए कि बना कैसे। तो भाई सोवियत संघ 15 राष्ट्रों का संघ था, समाजवादी व्यवस्था थी, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, और ये बना क्या था कि 1917 में रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया, जिसमें जिसका मतलब मेन मोटिव क्या था कि भाई हमें हमारी जो व्यवस्था होगी वो क्या होगी, समाजवादी व्यवस्था होगी, यानी कि हम समाज को लेकर चलेंगे जिसमें सभी वर्ग के लोगों का हम हितों का ध्यान रखेंगे। इसीलिए इसके साथ साथ जो और 15-14 राष्ट्र थे वो भी इसके साथ आए, और आप और मिलकर इन्होंने एक क्या बनाया, USSR या सोवियत संघ बोलो, यूनाइट इसको बोलते हैं, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रूस, ठीक है ना, लिख देता हूं मैं इधर, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रूस, हिंदी में इसको बोलेंगे समाजवादी सोवियत गणराज्य, ठीक है, हिंदी में समाजवादी सोवियत गणराज्य। तो ये था इसका सोवियत संघ का निर्माण। अब ये सोवियत संघ और अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरे कब, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी सोवियत संघ 1917 से तो अस्तित्व में आया, लेकिन इसकी और शक्ति कब बनी, 1945 के बाद, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में देखा होगा आपने भाई कि जो शीत युद्ध था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हो गया, जिसमें अमेरिका और यूएसएसआर, यूएसए और यूएसएसआर आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हो गए विचारधाराओं में। यूएसए जो समर्थन करता था वो था पूंजीवादी, ठीक है, और यूएसएसआर जो समर्थन करता था समाजवादी, दोनों की विचारधारा एक दूसरे से अलग अलग थी। तो इसी के चलते इनके बीच क्या हुआ, जो शीत युद्ध था वो परस्पर चलता रहा। सोवियत संघ का जो निर्माण था वो 1917 से स्टार्ट हुआ, ठीक। अब उसमें क्या हुआ, शीत युद्ध में देखो अगर भी 15 राष्ट्रों को मिलाकर एक सोवियत संघ बनाया गया, जिसमें उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, रूस, ठीक है ना, ये सारे देश शामिल थे, यानी कि जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया और थोड़ा सा पश्चिमी यूरोप, सॉरी पूर्वी यूरोप, ये हिस्से इस संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश थे। अब इनके बीच हुआ क्या, विचारधाराओं की लड़ाई थी, ठीक है ना, यानी कि इनके बटे हुए कैसे थे विचारधारा के तौर पे, कि भाई जो पश्चिमी यूरोप था या जो पूंजीवादी समर्थक थे वो, और जो समाजवादी समर्थक थे, इस तरीके से इन्होंने अपनी अपनी व्यवस्था, अपनी अपनी एक टीम गुट बना रखे थे, जिसको हम पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट के नाम से जानते हैं, अपने शीत युद्ध के चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। तो अब इसमें हुआ क्या था कि सोवियत संघ का विघटन की बात जब हम करते हैं, तो सोवियत संघ का जो मेन मोटिव था कि भाई हमें हमारी जो व्यवस्था है, जो समाजवादी व्यवस्था है, हमें उसी को ही लेकर चलना है, ठीक, हमें पूंजीवादी व्यवस्था को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। तो लेकिन हुआ क्या था कि ऐसा क्या रीज़न हो गया कि भाई समाजवादी जो व्यवस्था थी वो इस तरीके से उसका विघटन हुआ। अगर हम सोवियत संघ के विघटन के, तो विघटन के कारण क्या थे, पहला राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न करना, अब हुआ क्या था, सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी और अमेरिका की जो व्यवस्था थी, यानी कि उसमें शामिल जो देश थे, उन दोनों की व्यवस्था अलग थी। सोवियत संघ की व्यवस्था पूर्णतः एक कम्युनिस्ट पार्टी पे ही थी, मतलब कि सारा शासन जो है केवल एक ही पार्टी करती है और गैर लोकतांत्रिक है, मतलब कि लोगों को ज्यादा अधिकार नहीं है कुछ भी वो फ्रीली कुछ कर सकें, ठीक है ना, जैसे पूंजीवादी देशों के जो गुट में शामिल लोग थे या नागरिक थे उनको अधिकार थे, ठीक। और आर्थिक आकांक्षाओं की बात करें तो भाई जो सोवियत संघ ने जो वादे किए थे इन देशों के साथ कि भाई हम तुम्हारी अर्थव्यवस्था को क्या करेंगे, एकदम मतलब भाई एक अच्छी अर्थव्यवस्था होगी तुम्हारी, विकासशील विकसित अर्थव्यवस्था की मतलब पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो इस चक्कर में जो सोवियत संघ में जो शामिल देश थे वो नाराज होने लगे कि भाई तुमने जो वादे किए थे उस वादों को तुमने पूरा नहीं किया है, यानी कि राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं जो उनको दिखाकर उनको शामिल किया गया था गुट में वो अब पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो पहला कारण ये बना। दूसरा क्या बना भाई, दूसरा कि कम्युनिस्ट पार्टी ठीक, जो सोवियत संघ है
ठीक, उसमें केवल एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका वर्चस्व बना हुआ था, यानी कि उसके अलावा कोई अन्य पार्टी वहां पे थी ही नहीं। जो भी पार्टी, मतलब जो भी उसके मन में आया, वो वही वही कार्य करती, यानी कि 70 सालों तक जो कम्युनिटी, जो पार्टी था, उसका दबदबा बना रहा, यानी कि किसी के प्रति जवाब दे नहीं, ये कोई भी काम करे इसको केवल अपने से मतलब होता है, किसी के प्रति इसका कोई जवाब दे नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक है भाई, अब ये चुन के तो आए नहीं लोगों द्वारा, तो अब ये क्या कर सकती है, जो इसके मन में आएगा वो ये काम करेगी। इसीलिए इसका वर्चस्व ज्यादा था, मतलब वर्चस्व कहने का मतलब है कि इसी की ही दादागिरी चलती थी, जिस वजह से लोगों में एक और आक्रोश उत्पन्न हुआ कि भाई जो है हम सरकार हैं वो हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते, और ये कोई भी काम ऐसा करती है जिसके प्रति जवाब दे नहीं होती है ना। और पूंजीवादी देशों की तरह भाई इन्होंने उनके अधिकार, उनको काफ़ी ज़्यादा हमसे अधिक अधिक अधिकार मिले हुए हैं। तो यहाँ के लोगों ने सोचा या चाहा, उनकी चाह थी कि भाई हमें भी उन पूंजीवादों की तरह सुविधाएं और व्यवस्थाएं दी जाएं, ठीक है ना। तो ये था एक तो कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व, फिर दूसरा आएगा आपका साधनों का। अधिक उपयोग, परमाणु हथियारों में और यूरोप देशों के पीछे लगू लगा के देशों पर अधिक इस्तेमाल करना। अब देखो इसमें क्या है कि जो सोवियत संघ था ना, वो अपने संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल परमाणु हथियारों के उपयोग में, परमाणु हथियार और यूरोप के देशों पर अधिक खर्च करता था, मतलब उन्हीं को देते था कि भाई या तो जो संसाधन है वो परमाणु हथियारों में लगाए जाएंगे या यूरोप के देशों के लिए विकास में लगाए जाएंगे। जिससे क्या हुआ, जो सोवियत संघ में जो अन्य जो देश शामिल थे वो इससे नाखुश हो गए, ये इससे तो कह रहा भाई जो भी जितने भी संसाधन है तुम सब के सब परमाणु हथियारों में बनाने में लगा दे रहे हो, और जो बच रहे हैं वो तुम यूरोप के देशों कंट्री के लिए कर दे, मतलब बांट दे रहे हो, तो बचेगा हमारे लिए क्या। यानी कि उससे वो उनका अपना मतलब अन्य देशों का विकास नहीं हो पा रहा था, संसाधन का, संसाधनों से वो कुछ उपयोगी वस्तुएं नहीं बना पा रहे थे, ठीक है ना। तो संसाधनों का जितना भी उपयोग हो रहा था वो सारा का सारा या तो यूरोप कंट्री के लिए हो रहा था या परमाणु हथियारों के प्रयोग के लिए हो रहा था, जिस वजह से जो डेवलपमेंट थी, जो अर्थव्यवस्था थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। यानी कि इन्हीं की वजह से जो राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं थी वो इनकी पूरी नहीं हो पाई। भाई जितना भी संसाधन है वो तो सब तो तुम परमाणु हथियारों में लगा दे रहे हो, और जो बच रहा है वो तुम यूरोप के पीछे लोग लगा दे रहे हो। तो जिससे क्या हुआ, लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, बगावत की एक तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जो नौकरशाही थे वो नौकरशाही में भ्रष्टाचार। अब जो नौकरशाही थी, यानी कि जो सरकार के नौकर होते एक तरीके से, ब्यूरोक्रेसी, उसमें काफी अत्यंत रूप से भ्रष्टाचार हो गया था। वो तानाशाह हो गए थे एक तरीके से कह सकते हैं, अपने मनमाने तरीके से काम कर रही थी लोगों के लिए हित, मतलब नौकरशाही का काम होता है कि लोगों लोक नीति बनाना, लोक कल्याण के लिए कार्य करना, लेकिन नौकरशाही वहां की क्या हो गई थी भाई, लोक कल्याण के लिए तो कोई कार्य नहीं कर रही थी, जिसमें भ्रष्टाचार काफी फैल गया था, ठीक है ना। तो ये भी एक रीजन था सोवियत संघ के विघटन के कारण का। अगला जो है वो है गोरबाचेव की नीतियां, और इसके बाद है लोगों का जागरूक होना। अब देखो ये दोनों क्या था, गोरबाचेव की नीति क्या थी भाई, जब गोरबाचेव राष्ट्रपति बना तो उसने देखा भाई जो यहाँ की जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है, और वो पूंजीवादी देशों की तरह की जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं, जो फैसिलिटीज, जो जो उनको अधिकार उनको मिल रहे हैं, वो भी अब यहाँ पे वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि ताकि हमें भी पूंजीवादी देशों की तरह बराबर का अधिकार और बराबर बराबर की जो सुविधाएं हैं, अर्थव्यवस्थाएं, वो हमें मिलनी चाहिए। तो इसी के लिए गोरबाचेव ने कुछ नीतियों में बदलाव किए, जो कम्युनिस्ट, जो समाजवादी व्यवस्था की जो नीतियाँ थी उसमें इन्होंने बदलाव किया, जो मेन कारण बना सोवियत संघ के विघटन का। इसके बारे में भी गोरबाचेव की नीति का भी डिस्कस करेंगे। तो लोगों का अब दूसरा क्या था भाई, लोग जागरूक हो रहे थे, यानी कि लोग अब देख रहे थे जो पश्चिमी देश है उनका विकास और अपने विकास को कंपेयर कर रहे थे, तो उनके जो पश्चिमी देश थे वो उनसे काफी आगे निकल चुके थे हर क्षेत्र में, चाहे वो आधुनिक विज्ञान, सूचना प्रसारण, सूचना प्रौद्योगिकी हो, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है ना, आधारभूत संरचनाएं हो, उन सभी में पूंजीवादी देश आगे निकल रहे थे। यानी कि जो वादे इनसे किए गए थे वो वादे इनके पूरे हुए ही नहीं, बल्कि वो और क्या होगा, धीरे धीरे नीचे जा रहे थे, जिस वजह से लोगों में आक्रोश हुआ और उन्होंने सरकार के खिलाफ कई धरने वरने दिए, मतलब आंदोलन किया कि भाई हमें भी पूंजीवादी देशों के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर उनके जैसा ही विकास चाहिए। तो इसीलिए गोरबाचेव ने कुछ नीतियां लागू करी, कुछ फॉर्म्स किए, सुधार किए, जिस वजह से क्या हुआ, ये धीरे धीरे समाजवाद से पूंजीवादी की तरफ अग्रसर हुआ और सोवियत संघ का जो था विघटन हो गया। तो अब देखो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट में कि मतलब गोरबाचेव की नीति से कैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो चलिए ये कारण से समझ आ गए होंगे आपको। अब मैं बता दूं गोरबाचेव की नीति ने इस पे किस तरीके से और आग में घी का काम किया। अब देखो गोरबाचेव की नीति से किस तरीके से सोवियत संघ के विघटन में एक महत्वपूर्ण भूमिका या रोल अदा करती है, ठीक है ना। अब कैसे मतलब चीजें जो थी वो लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें मिलनी चाहिए, लेकिन जब गोरबाचेव जी राष्ट्रपति बने तो उन्होंने वो लोगों को प्रदान की, यानी कि वो चीजें थोड़ा सुधार किया, तो बढ़ती डिमांड के कारण लोगों ने क्या किया भाई उसको और मतलब एक्सेप्ट किया। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि सोवियत संघ जो था वो पूरी तरीके से टूट जाता है। याद होगा भाई बर्लिन की दीवार का बनना है ना, सोवियत संघ का प्रतीक माना जाता था कि भाई जब बर्लिन की दीवार बनाई गई थी तो शीत युद्ध का उसको प्रतीक माना गया कि भाई दोनों ही देशों के बीच अब दीवार खड़ी हो गई है, इस पार पूंजीवादी और उस पार समाजवादी। बाद में ये शीत युद्ध के दौरान ही बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का विघटन या सोवियत संघ के विघटन का प्रतीक माना जाता है, ठीक है ना। जैसे ही बर्लिन की दीवार गिरती है वैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। तो देखो गोरबाचेव की नीति में ऐसी क्या खास है बात थी कि क्या रीजन था कि गोरबाचेव की नीति की वजह से जो सोवियत संघ का जो विघटन था वो होगा। इसको बोलते हैं मिखाइल गोरबाचेव। तो मिखाइल गोरबाचेव देखो भाई ये आते हैं 1980 के दशक में, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी के ये बनते हैं महासचिव, ठीक। 1980 के दशक में ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं, नियुक्त किए जाते हैं और ये आते हैं। तो भाई उस समय जो पब्लिक थी उनको वो काफी डिमांड करते कि भाई पूंजीवादी देशों के मुकाबले समाजवादी देशों की व्यवस्था का बहुत खराब है, ठीक। यानी कि उनकी जो उनसे जो वादे किए गए थे, उनसे जो आर्थिक आकांक्षाएं के सपने दिखाए गए थे, वो सपने उनके अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, बल्कि उनकी जो स्थिति है वो और धीरे धीरे नीचे गर्त में जा रही है। तो इसको देखते हुए भाई मिखाइल गोरबाचेव ने क्या करा, जो पूंजीवादी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश यानी सोवियत संघ अमेरिका के यानी पूंजीवादी देशों से लड़ता झगड़ता आ रहा था, अब 1980 के दशक में एकदम से उसका जो रवैया था वो सहयोगात्मक हो गया था, मित्रतापूर्ण हो गया था कि भाई जो भी करना है हमें सहयोग के साथ करना है, हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। बोला भाई चलो भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं बढ़ाओ। तो अब उन्होंने बोला भी हमारी स्थिति मतलब गोरबाचेव जी का ये देखना था कि भाई हमारी स्थिति तो खराब हो रही है, विकास हमारा जो है एकदम ही खराब हो रहा है। विकास कहने का मतलब है लड़का नहीं, जो उनका जो डेवलपमेंट होता है वो, ठीक है ना। तो उनकी जो व्यवस्थाएं थी वो धीरे धीरे खराब हो रही हैं, अमेरिका पूंजीवादी देश तो हमसे कहीं आगे निकल चुके हैं, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा भाई उनके साथ चलने के लिए, हमें भी अपनी उनके साथ संबंध अपने बेहतर करने पड़ेंगे। तो मिखाइल जी आए, गोरबाचेव जी ने कहा भाई पूंजीवादी देशों के साथ जो संबंध थे उसको अच्छे करने शुरू किए। अब इससे क्या हुआ, जो कब पार्टी में ही यानी कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ जो लोग थे कि वरिष्ठ नेता जो थे मिखाइल का विरोध किया, जितनी भी चीजें इन्होंने सुधार किया मिखाइल गोरबाचेव ने, तो उसका विरोध इनके जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि भाई जो समाजवादी व्यवस्था थी वो शुरू से ही पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ रही थी, चाहे जो हो जाए भाई हमें पूंजीवादी व्यवस्था अपनानी नहीं है, ये ऐसा सोच के इन्होंने सोवियत संघ की एक स्थापना की थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मिखाइल गोरबाचेव ने कहा कि भाई हम समाजवादी हैं और ये पूंजीवादी व्यवस्था में शामिल होना जा रहा है। तो इसी चक्कर में कम्युनिस्ट पार्टी के जो पुराने नेता थे या जो वरिष्ठ नेता थे वो इसका विरोध करने लगे कि भाई तुम जो हो पूंजीवादी समर्थक हो, समाजवादी व्यवस्था से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब गोरबाचेव ने जो दो नीतियां अपनाई थी यानी कि जिसकी वजह से विरोध कर रहे थे, वो दो नीतियां थी ग्लानवोस्तक, ये रशियन है, रशियन वर्ड्स हैं, रशियन शब्द हैं, और ये थी पेरेस्त्रोइका। तो ग्लानवोस्तक को बोलते हैं, एक था खुले द्वार की नीति,
और दूसरा था पुनर्गठन। ठीक, तो खुले द्वार की नीति कहने का मतलब है कि भाई जो मार्केट है, यानी कि आपके अपनाओ खुले द्वार की नीति, अपनाओ जो भी देश आपके साथ व्यापार करना चाहता है उसको करने का मौका दो, अवसर दो, रोको मत, अपनी सीमाएं बाउंड्री ओपन कर दो अन्य देशों के लिए, मार्केट के लिए। ठीक, दूसरा क्या करो, पुनर्गठन करो। पुनर्गठन मतलब कि जो तुम्हारा जो अर्थव्यवस्था में जो उद्योग है उसका दोबारा पुनर्गठन करो, यानी जो राज्य नियंत्रित जितनी भी अर्थव्यवस्था है, राज्य के नियंत्रण में जितनी भी संपत्ति है, उन सबको क्या करो, निजी हाथों में दे दो। यानी कि सीधे तौर पर निजीकरण की बात आ जाती है भाई, जिसके समाजवाद सख्त खिलाफ था। ठीक है ना, समाजवाद जिसके सख्त खिलाफ था कि भाई जो हो जाए हमें निजीकरण नहीं करना है, राज्य की संपत्ति राज्य के पास रहेगी, वो निजी हाथों में नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही मिखाइल गोरबाचेव आते हैं, वो सीधा सीधा क्या करते हैं भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने पे बल देते हैं, कि वो भी चाहते हैं भाई कि व्यवस्था क्या हो, लोकतांत्रिक हो, जैसा कि पूंजीवादी देशों में लोगों के पास अपने अधिकार हो, है ना। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने में ये मतलब समर्थन देते हैं। तो यानी कि जो साम्यवादी जो समाजवादी जो देश था उसके बिल्कुल ही विपरीत ये इन्होंने नीतियां बनाई, तो इसीलिए इसका विरोध किया गया। और यही रीजन था कि भाई गोरबाचेव की नीतियां सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो भाई इन्होंने क्या सीधा सीधा कह दिया कि भाई चलो ठीक है, समाजवादी था कि भाई हमें पूंजी क्या कहते हैं कि निजी संपत्ति नहीं रखनी, लेकिन इन्होंने कर दिया कि भाई हमें अब अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हमें राज्य की संपत्तियों को निजी हाथों में देना होगा। तो इसी में आपने देखा होगा एक शॉक थेरेपी, जिसका मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ये एक आर्थिक मॉडल था जो दिया गया था IMF और WTO के द्वारा। ठीक है भाई, ये एक आर्थिक मॉडल था। जब मिखाइल गोरबाचेव आए तो उन्होंने बोला भाई हमारी अर्थव्यवस्था के लिए हम क्या करें, अपनी हमें अर्थव्यवस्था अपनी सुधारनी है। तो अब IMF और WTO ने बोला कि भाई तुम अपनी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा पुनर्गठन करो और खुले द्वार की नीति अपनाओ, जिसमें क्या था, तो ये आर्थिक मॉडल दिया गया जिसमें मतलब जिसका मतलब था आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी समाजवाद से साम्यवाद से अग्रसर, पूंजीवाद की ओर अग्रसर होना, जिसका मतलब क्या था, समाजवाद से पूंजीवाद की ओर अग्रसर होना। ठीक, तो यानी कि धीरे धीरे आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको अपने जितने भी राज्य में राज्य नियंत्रित जितनी भी अर्थव्यवस्था है, जितनी भी संपत्तियां हैं, उसको धीरे धीरे निजी हाथों में सौंप दो। अब इसी शॉक थेरेपी में देखा होगा आपने गैराज सेल, नाम गैराज सेल हुई थी, जिसमें सोवियत संघ के जितने भी उद्योग थे, ठीक है ना, सोवियत संघ के जितने भी उद्योग थे उन सभी को औने पौने दामों पर बेच दिया गया, औने पौने दामों पर उसको बेच दिया गया, जिसे हम जिसे किसके नाम से जाना गया, गैराज सेल के नाम से जाना गया, जिसे विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। यानी कि 90% जो उद्योग थे, 90% उद्योगों को औने पौने दामों पे बेच दिया गया, जिसे गैराज सेल के नाम से जाना गया। ठीक, तो ये था, यही रीजन था कि भाई जो सोवियत संघ अब पूरी तरीके से पूंजीवाद की तरफ बढ़ गया, यानी वो पूंजीवादी व्यवस्था को एक तरह से अपना लिया, और धीरे धीरे जो सोवियत संघ का क्या हुआ, विघटन हो गया। अब इसमें क्या हुआ, एक तो ये कांड हो गया भाई, अर्थव्यवस्था उसने पूरी तरीके से चेंज कर ली, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपना लिया, है ना। 1989 में भाई दीवार जो थी बर्लिन की दीवार वो गिर गई, दीवार गिरा दी गई, यानी कि जो जर्मनी, जब पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को दो भागों में बांटता था, अब वो दीवार नहीं रही। ठीक, यानी कि वहां के लोगों ने पश्चिमी पूर्वी जर्मनी, अब यानी जर्मनी का एकीकरण हो गया था, इसको हम जर्मनी का एकीकरण भी बोलते हैं। ठीक, 1948 में इसकी शुरुआत, जर्मनी बर्लिन की दीवार खड़ी हुई थी और 89 में जाके ये टूटती है। तो ये भी शीत युद्ध की एक समाप्ति का प्रतीक माना जाता है, यानी शीत युद्ध समाप्ति का एक संकेत था कि भाई बर्लिन की दीवार जो है खत्म हो चुकी है, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में दोस्ती हो चुकी है। ठीक है ना, और इसके बाद
1989 के बाद दिसंबर में तीन जो देश थे, एक रूस था, बेलारूस, और एक और एक कंट्री थी यूक्रेन आई थिंक, ठीक है ना। इन तीन देशों ने क्या करा भाई, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि भाई सोवियत संघ जो है वो नहीं रहा, वो टूट चुका है। ये सबसे पहले निकलने वाले यही तीन देश थे सोवियत संघ के विघटन, सोवियत संघ के खेमे में से निकलने वाले रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये तीन देश थे जिन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि भाई सोवियत संघ अब नहीं रहा, वो बिखर चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। तो ये खत्म हुआ दिसंबर 1991 में, दिसंबर 1991 में शीत युद्ध समाप्त हुआ और सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है भाई, समझ आ गया। तो ये था पूरा सोवियत संघ भाई, कब बना, 1917 में बना, उसके बाद बनते बनते 1945 में ये सुपर सुपर पावर बना। शीत युद्ध के बाद अमेरिका और इनके बीच में लड़ाई झगड़े हुए और धीरे धीरे ये इनकी परिस्थिति, यानी कि जो अब विघटन कैसे हुआ, रीजन क्या था कि भाई लोग जो जिन देशों को जो देश इसमें शामिल हुए वो इसके जो इनसे वादे किए थे वो इन वादों को पूरा नहीं कर पाया, उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया, लोगों के मतलब देशों के पास अधिकार नहीं थे, लोकतांत्रिक राजनीतिक अधिकार नहीं थे, कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व रहा, नौकरशाही में भ्रष्टाचार फैल गया, जिस वजह से लोग नाखुश हुए मुकाबले पूंजीवादी देशों की, उनकी तुलना करने लगे कि भाई पूंजीवादी देशों में अगर हम होते तो वहाँ आज हम कहीं आगे निकल गए होते, मुकाबले यहाँ पे हम फंसे हुए हैं। तो फिर जब गोरबाचेव आया उन चीज़ों को सुधारने के लिए, तो उन्होंने कई चीज़ें सुधारी भी, अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए उसने पूंजीवादी देशों के साथ हाथ मिलाया, राजनीतिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक किया, जिसकी वजह से ये पूरी प्रक्रिया क्या हुई, एक सोवियत संघ के विघटन के रूप में परिवर्तित हो गई। तो ये था सोवियत संघ के विघटन का कारण। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हमारी होगी वो होगी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का आरंभ, कि कैसे सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का आरंभ होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल भाई हमारा सब्सक्राइब कर लो यार फटाफट, ठीक है, जल्दी पहुंचाओ हमें, बूस्ट करो हमें, चैनल सब्सक्राइब करो और इसको पढ़ो भाई, सीबीएसई के एग्जाम आ रहे, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करो, क्रैश कोर्सेस चल रहे हैं तुम्हारे।